चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा। ये कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। कोई चलो अच्छा नहीं। हुआ। गया। ये कंगारू क्या गजब कूदता है, ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। चलो हम भी पिंजरे के अंदर जाकर देखते हैं कि हम में से कौन ऊंची कूद लगाकर दीवार कूद सकता है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा एक हाई जंप कंपटीशन करते हैं, पता चल ही जाएगा कौन कितना ऊंचा कूद पाएगा। हाँ, हाई जंप का तो मुझे भी बहुत शौक है। बोलो बोलो, डरपोक कहीं के। भाग गए। तो तैयार कर लिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू भोलू है, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे। हीरो। उस्ताद ने ऐसा पंगा किया। बेचारे उस्ताद। वो सूखा बूढ़ा पेट कालिया को नहीं डरा सकता। बस आज रात यहाँ सो जाऊं, सब मान जाएंगे मैं ही असली हीरो हूँ। बस पेड़ ही तो है। वैसे ये इतना भी डरावना नहीं है। भूख लग रही है। लड्डू। ये क्या? कितना बुरा सपना था। आज ये बच्चे जमा हुए हैं हाई जंप की प्रतियोगिता के लिए। इन्हें प्रेरणा मिली जू में एक कैंगरू का करतब देख के। सो आज के मुख्य अतिथि हैं वही ऑस्ट्रेलिया से आए हुए मिस्टर कैंगरू। शुरू करते हैं आसान हाइट से, 1 फुट। अगला राउंड शुरू करेंगे 5 फीट की ऊंचाई से। 5 फीट कोई बच्चों का खेल नहीं, फिर भी ये बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, कोशिश करे जा रहे हैं। Oh,
का खूब जंप थी, पर अब ये देखना है कि भीम और कालिया नया जंप रिकॉर्ड बना पाएंगे, 6 फीट 3 इंच कूद पाएंगे। और अब आ रहे हैं कालिया। कालिया मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। पर प्राइज लेने के लिए अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। रस्सी तक नहीं पहुंच सकते, आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं मजेदार था। ये रस्सी ही बेकार है, वरना मेरे से अच्छा कलाकार पूरे ढोलकपुर में नहीं मिलेगा। अरे उस्ताद, आपसे अच्छे कलाकार तो हम दोनों हैं। अच्छा, तो फिर दिखाओ अपनी कलाबाजी। हम जग्गू की तरह ये रस्सी वस्सी पर नहीं कूदते। तो फिर क्या कर सकते हो तुम? हम हैं असली कलाकार और हम गाना गाते हैं। गाना तो फिर हमें भी सुनाओ अपना गाना। चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर